फाइनली दोस्तों, इंडियन बैक्स ड्राइविंग 3D के अंदर हॉस्पिटल को ऐड कर दिया गया है और हॉस्पिटल अंदर से सच में बहुत अमेजिंग है। इसमें बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं और अंदर से बहुत अमेजिंग है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंडियन बैक्स ड्राइविंग 3D की न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने गेम के अंदर हॉस्पिटल को कैसे ऐड कर सकते हैं और इस सिटी के अंदर हॉस्पिटल की लोकेशन क्या होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस सिटी में लोकेशन बताने वाला हूँ हॉस्पिटल की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, आपको भी अपने घर से उसी डायरेक्शन में आ जाना है और यहां से एकदम सीधे सीधे जाके आपको यहां से लेफ्ट ले लेना है। और जैसे आप लेफ्ट लेंगे, यहां से हमें एकदम सीधे जाना है और सीधे जाते जाते हम लोग को हॉस्पिटल की लोकेशन मिल जाएगी। और दोस्तों और फ्रेंड, जिसे भी हॉस्पिटल की लिंक चाहिए वो इस वीडियो के में कमेंट कर देना हॉस्पिटल, तो मैं इसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी चलते हैं वीडियो में और उसकी लोकेशन देखते हैं कि हॉस्पिटल की लोकेशन क्या होने वाली है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं ये जो कंटेनर है, जो मेगा रैंप वाले कंटेनर है, इसकी सीध में आपको आ जाना है और एक कंटेनर को ध्यान में रखना है। वो कौन सा कंटेनर है वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो आप सामने देख सकते हैं ये एकदम गोल गोल, मतलब गोल गोल नहीं है, ये एकदम जो इस तरीके का आकार का बना हुआ है। जस्ट इसके सामने ये होने वाला अपना हॉस्पिटल। हम लोग आ चुके हैं अपने हॉस्पिटल के सामने और आप ये वाले कंटेनर को ध्यान में रखना, बस ये जो टेढ़ा टेढ़ा सा बना हुआ है इसके सामने ही होने वाला अपना हॉस्पिटल। तो अब मैं चलता हूँ हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन अंदर जाने से पहले एक बार बाहर से हम लोग व्यू देख लेते हैं कि अपना हॉस्पिटल बाहर से देखने में कैसा लग रहा है। तो यार, बाहर से देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। हॉस्पिटल भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ और प्लस का साइन भी बना हुआ है, वो भी रेड कलर से। एकदम रियलिस्टिक एकदम मेरे को फील आ रही है। तो अपनी गाड़ी को अंदर ले जाते हैं। अंदर दोस्तों इसके अंदर पार्किंग भी बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर एक पार्किंग भी बनी है जिसमें हम लोग अपनी कई सारी गाड़ियों को भी इकट्ठा रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस गाड़ी को यहाँ पर पार्क किया, उसके बाद हम लोग इस गाड़ी से उतरते हैं और एक बार फिर से इसकी लुक देखते हैं अंदर से कि हॉस्पिटल कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल लिखा हुआ है, सच में यार बहुत अमेजिंग। और साइड में जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, वो भी काफी अच्छी लुक दे रहे हैं और काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो चलते इसके अंदर और अंदर देखते हैं कि अंदर देखने में कैसा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ बैठने के लिए सीढ़ी टाइप की बनाई हुई है और यह इस साइड तो अंदर की तरफ एक गली सी गई हुई है, जिसको भी कह ले लॉबी गई हुई है। और इस साइड देख लेते हैं, इस साइड दोस्तों आप देख सकते हैं ये रिसेप्शन है। यहाँ पे हम लोग अपनी दवाइयां वगैरह ले सकते हैं, अपना जो बिल है वो यहाँ पर हम लोग कटवा सकते हैं और बिल विल का जो भी पर्चा है यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। और सेम जैसा पहले था, वहां पर बैठने के लिए कुछ सीढ़ियां बनाई गई थी, इस जगह भी यहाँ पर बैठने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। तो दोस्तों अब चलते सीधा अंदर और अंदर देखते हैं कि किस किस टाइप के रूम बने हुए हैं। तो अंदर जाने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉबी है इस टाइप की और जो रूम है वो ऐसा है देखने में। अंदर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बेड टाइप का कुछ बना हुआ है और इसको हम लोग टेबल कह लेंगे और ये कुछ बेड टाइप का है जो काफी रियलिस्टिक लुक दे रहा है। आई नो कि ये अभी उससे नहीं बना है जिससे बेड बने होते हैं या वुडन से, लेकिन ये रियलिस्टिक है काफी हद तक। तो अब चलते आगे और देखते हैं कि आगे के रूम कैसे बने हुए हैं। तो अंदर जो दूसरा रूम है वो भी कुछ ज्यादा अलग है नहीं है, आई मीन सेम ही है, मतलब कुछ ज्यादा अलग उसमें दिख रहा नहीं है। उसमें भी एक नॉर्मल एक बेड है और बाकी कुछ अलग है नहीं। और देखते दोस्तों, ये सारे रूम एक जैसे ही बने हुए हैं, बस जो अलग है वो है ये लॉबी और ये वाली लॉबी। जो ये वाली लॉबी है ये भी देखने में काफी अच्छी लग रही है, बस यार एक चीज की पता है इसमें कमी, वो है दोस्तों लाइट की कमी। जी हाँ दोस्तों, इस हॉस्पिटल के अंदर लाइट की कमी है। अगर मैं इसके अंदर नाइट मोड लगाता हूँ ना, तो ये हॉस्पिटल प्रॉपर अंधेरा इसके अंदर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर ये जो हेड लैम्प है ना, ये लगी तो हुई है लेकिन इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि ये नाइट मोड में जलती नहीं है। पता नहीं यार ये ग्लिच है या ये कमी है, रोहित गेमिंग स्टूडियो जरूर इसको चेक करना एक बार, क्योंकि ये जो छोटी वाली लैम्प है ना ये जलती नहीं है। अभी मैंने नाइट मोड करके देखा था थोड़ी देर पहले, लेकिन यार कुछ वर्क किया ही नहीं और ये बिल्कुल हॉस्पिटल अंधेरा हो गया। तो दोस्तों यही है हॉस्पिटल अपने गेम के अंदर। और इसको अगर आपको अपने गेम के अंदर ऐड करना है तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में लिंक होगी, वहां से उस लिंक को आप लोग कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अपने गेम के अंदर आएंगे और गेम के अंदर जो फोन पर सर्च वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, तो आपके गेम के अंदर ये वाली जो लिंक है ना ये कॉपी हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। और लोकेशन मैंने आपको बताई थी कि इसकी लोकेशन क्या होने वाली है, तो इस लोकेशन पर आकर आप लोग इस हॉस्पिटल को देख सकते हैं, इसके अंदर खेल सकते हैं और सिटी के अंदर रहकर इसको देख सकते हैं और अपनी कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। आइयो दोस्तों, ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।